Good evening, students, and important update for MNCET Law 5 years that allotment list for round 2 has been published. ठीक है, आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू चेक दिस अलॉटमेंट लिस्ट. यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हो दैट इट हैज बीन पब्लिश्ड. ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पे वेकेंसी रिपोर्ट, इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे चेक करनी है. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस नोटिस का. Then in this particular notice, it has been specified कुछ चीजें. ठीक है, तो उन लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि who are eligible for round 2, who are not eligible for round 2. ये particular instruction था, आप एक बार पढ़ सकते हो. ये important points जो ऊपर दिए गए हैं वो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. ठीक है, तो पहला पॉइंट, it was already discussed earlier and then accordingly जो important है वो है ये points. ठीक है, SEBC कैंडिडेट जो है उन लोगों ने अगर रिसीव्ड अपलोड किया था CVC का तो उनको ओरिजिनल सबमिट करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स. ठीक है, तो खाली SEBC कैटेगरी को CVC सबमिट करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया गया है. नो अदर रिजर्वेशन कैटेगरी हैज द टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ्स फॉर सबमिटिंग दैट सर्टिफिकेट. ठीक है, नाउ एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दिखाई गई है दैट अगर आपने मिस्टेक की है इन फिलिंग द मार्क्स ऑफ SSC एंड HSC. ठीक है, और कॉलेज ने आपका एडमिशन रिजेक्ट किया ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड, तो आपको राउंड 3 बिटवीन 11th ऑफ अगस्त 2024 टू 13th अगस्त 2024 आपको वो एडिट करने का मौका मिलेगा एंड देन अकॉर्डिंगली फिल न्यू ऑप्शन फॉर्म फॉर राउंड 3. ठीक है, और ICSE CBSE बोर्ड उन लोगों को क्लियरली बताया गया है दैट आपको 6 या 5 सब्जेक्ट आपने कुछ भी डाला हो तो उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा. कॉलेज रिजेक्ट नहीं कर सकता आपके एडमिशन. ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं. देर आर नथिंग लाइक नो न्यू थिंग्स, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इट वाज आल्सो ड्यूली एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियोस. बस एक पॉइंट है यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज द 7th पॉइंट. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेकेंसी फॉर राउंड 3 मे बी वेरी लेस, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन. ओके, तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट राउंड 3 में जो सीट्स है वो काफी कम रह सकती है. देर इज अ प्रोबेबिलिटी वेकेंसी लेस रहेगी, यहाँ पे उन लोगों ने लिख ही दिया है खुद ब खुद. ठीक है, हेंस कैंडिडेट्स शुड टेक अ जुडिशियस डिसीजन फॉर देयर एडमिशन. ठीक है, मतलब राउंड 3 जब भी स्टार्ट होगा तब उसमें सीट्स कम ही रहने वाली है ऐसा बताया गया है. तो राउंड 2 में अगर आप कैंसिल करवा रहे हो या फिर राउंड 2 में एडमिशन नहीं ले रहे हो जस्ट फॉर द बेसिस दैट आपको राउंड 3 में कोई बेटर कॉलेज मिल जाएगा, और तो प्लीज कीप दिस पॉइंट्स इनटू योर माइंड, यहाँ पे इस फोकस पे लिखे हुए. ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात के एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक ऑफ डायनामिक अलोकेशन. ठीक है, ये डायनामिक अलोकेशन का जो पॉइंट है वो आप एक बार यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है दैट कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस इन राउंड 1 और उन लोगों ने बेटरमेंट चूज किया, सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे कर दिया. वंस अपर्ड प्रेफरेंस इज अलॉटेड टू सच कैंडिडेट, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपका अर्लियर अलॉटमेंट शैल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसल. ठीक है, राउंड 2 को हम बेटरमेंट राउंड इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में ऑप्शन फॉर्म के अंदर 5th प्रेफरेंस का कॉलेज मिला था एंड इफ यू वेंट फॉर बेटरमेंट एंड राउंड 2 में आपको 2nd प्रेफरेंस का कॉलेज मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली 5th प्रेफरेंस वाला जो कॉलेज था वहां पे वो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज यू हैव गॉट अ बेटर ऑप्शन दैट इज 2nd प्रेफरेंस. ठीक है, एंड नाउ दूसरा एक केस सिनेरियो जो यहाँ पे बी पॉइंट बताता है दैट इफ अ कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड सीट इन राउंड 2, आप बेटरमेंट के लिए गए हो बट आपको राउंड 2 में अलॉट नहीं हुआ है, देन द सीट व्हिच वाज ऑलरेडी अलॉटेड इन राउंड 1, ठीक है, शैल बी रिटेन्ड ऑटोमेटिकली. मतलब आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था वो वापस से आपको यहाँ पे राउंड 2 के अलॉटमेंट लिस्ट में देखने को मिल जाएगा अगर आपको कोई भी बेटर कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है राउंड 2 में तो. ठीक है, बट कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट टू एडमिट कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन अगेन फॉर राउंड 2. ठीक है, यानी कि आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए वहां पे वापस राउंड 2 के लिए जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन करवाने के लिए. कॉलेज शुड कंफर्म द एडमिशन दो दे हैव बीन अलॉटेड सेम कॉलेज इन राउंड 1. इफ द कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट टू कॉलेज हिज सीट शैल स्टैंड कैंसल्ड ऑटोमेटिकली. ठीक है, सो आई होप दीस कंटेंट्स ऑफ द नोटिस are quite clear and the explanation is also clear. So please keep this points into your mind and do take judicious decision accordingly. So thank you so much. This is the update. Subscribe to our YouTube channel for regular updates and detailed explanation about the CAT. Thank you.